माँ मैं वरुण के साथ शॉपिंग पे जा रही हूँ, वो मेरी हेल्प कर देगा। ठीक है, ध्यान से रख। माँ बाकी काम वरुण कर लेगा, ठीक है। और वो हुआ क्या है? हुआ क्या है रिद्धि, बताओगी भी? अरे ऐसे मुस्कुरा क्यों रही है, बोल ना। रिद्धि बात क्या है? I'm pregnant. क्या? वाह! सच? Congratulations. बधाई हो। थैंक यू माँ। Thank you so much. I'm so happy. Thanks a lot. You know what? मैंने सागर के चेहरे पे आज से पहले इतनी खुशी कभी नहीं देखी। बावरा हो गया वो एक खबर सुन के। I'm really happy for both of you. Thanks a lot. क्या हुआ तुम्हें? इस तरह मुंह लटका के खड़ी हो? वरुण actually वो बच्चा सागर का नहीं तुम्हारा। क्या बोल रही हो तुम? I mean, are you sure? Yes, वरुण। I'm damn sure. ये बच्चा तुम्हारा ही है। प्रेगनेंसी की न्यूज सुन के मैं बहुत खुश हुई थी, लेकिन अब कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि मैं कैसे रिएक्ट करूं। तो अब क्या करेंगे? वरुण कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक काम करते हैं, हम हमारे रिलेशनशिप की तरह इसे भी सीक्रेट बनाकर रखते हैं, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। इज दैट ओके? थैंक यू, आई लव यू। आई लव यू टू। Thank you.
माँ माँ क्या हुआ? ये क्या हो रहा है? क्या क्या हो रहा है? रिद्धि किचन में काम कर रही है। हाँ पता है मुझे, तो क्या हुआ? क्या हुआ मतलब, रिद्धि प्रेग्नेंट है। अरे बाबा मुझे पता है, मैंने भी उसको कितना समझाया कि अब ऐसे काम मत किया कर, अपना ख्याल रख, पर कहती है कि मुझे घर का काम करने में बहुत खुशी मिलती है। अब मैं क्या करूँ, सुनती नहीं है मेरा। अरे पर माँ तुम्हें तो उसकी देखभाल करनी चाहिए ना। वरुण मैं तुम्हारा कंसर्न समझती हूँ, पर मैं अपना ख्याल अच्छे से रख रही हूँ, तुम उसकी चिंता मत करो। भाई यार मेरी तो सुनने से रहे नहीं है, तू ही समझा इनको। रिद्धि वरुण सही तो कह रहा है, अब से तुम्हें घर का कोई भी काम करने की बिल्कुल जरूरत नहीं, तुम सिर्फ अपना और बच्चे का ध्यान रखो, बाकी सब काम करने के लिए माँ है ना, माँ सब कुछ संभाले। ठीक है? ठीक है, अब सुनेगी। ये देख, ये वरुण का बच्चा तेरी बीवी का ख्याल तुझसे भी ज्यादा रख रहा है। एप्पल वेपल काट के दे रहा है। मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी उससे, मुझे तो कभी एप्पल काट के नहीं दिया। चलो अच्छा है। हाँ माँ, मैंने भी कभी सोचा नहीं था कि वरुण का इस तरह दूसरा पहलू भी होगा। काम सीख जाएगा। चलो सागर, मैं पिछले कुछ दिनों से देख रही हूँ तुम्हारा मूड कुछ ठीक नहीं लग रहा, क्या हुआ, बात क्या है? नहीं कोई बात नहीं है, वो एक्चुअली ऑफिस में वर्कलोड बहुत ज्यादा है, तुम फिक्र मत करो, तुम सो जाओ, कल बात करते हैं। गुड नाइट। आओ बैठो। क्या बात है, कुछ प्रॉब्लम है? नहीं माँ, बस आपसे कुछ पूछना था। पूछना? वो माँ एक्चुअली एक सजेशन लेनी थी। माँ मेरा एक फ्रेंड है, उसने 5 महीने पहले एक लड़की से लव मैरिज की है, लेकिन जो लड़की से उसने शादी की है वो पास्ट में उसके भाई की गर्लफ्रेंड रह चुकी है। दोनों का 4 साल पहले ब्रेकअप भी हुआ है। माँ इस वक्त एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है, वो लड़की और उसका भाई वो फिर से एक दूसरे को चाहने लगे हैं, और माँ इस वक्त ना वो लड़की प्रेग्नेंट है, और मेरे फ्रेंड को ये डाउट है कि उसके पेट में जो बच्चा पल रहा है उसका नहीं उसके भाई का है। अरे बाप रे, ये तो बहुत गड़बड़ वाला मामला है। ऐसी सिचुएशन में मेरे फ्रेंड को क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से तो उसे अपनी वाइफ को डिवोर्स दे देना चाहिए और उस लड़की की शादी अपने भाई से करवा देनी चाहिए, क्योंकि बच्चा भी। माँ मैं भी यही सोच रहा था। ठीक है मैं मेरे फ्रेंड को ये सजेस्ट कर देता हूँ। ठीक है। Thank you.
माँ, मुझे पता है मेरे इस फैसले से आप टूट जाओगी, पर मुझे यही रास्ता सही लगा। मुझे यकीन है कि वरुण रिद्धि से बहुत प्यार करता है, पर मैं भी रिद्धि से कम प्यार नहीं करता। मैं मेरे प्यार को वरुण के लिए सैक्रिफाइस कर सकता था, लेकिन ऐसा करने के बाद मां मैं जी नहीं सकता। शायद मेरे उनकी जिंदगी से चले जाने में ही सबकी भलाई है। आई एम सॉरी मां। आपका सागर।